पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मुरादाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रयागराज कुंभ में पहुंचकर कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि दी गई और उनके लिए मुक्ति की कामना की गई। साथ ही गंगा माँ से प्रार्थना की गई कि उनको मुक्ति प्रदान हो। टीम का नेतृत्व रोहन सक्सेना के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी ने पुलवामा की घटना को निंदनीय बताया और भारत से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज कुंभ में एकत्रित होकर माघ 14 के दिन जो अपने 42 सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। माँ गंगा को दीप विसर्जित करके श्रद्धांजलि दी है, पुष्प डालकर श्रद्धांजलि दी है, ताकि इतनी बड़ी क्षति जो हमारे देश को हुई है वो भविष्य में कभी ना हो। भारत के एक भी सैनिक का लहू इस धरती पर ना बहे। मोमबत्तियां जलाकर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है और हम देश के प्रधानमंत्री से पुनः मांग कर रहे हैं कि अब समय न व्यतीत करके देश के अंदर युद्ध का माहौल बनाकर पाकिस्तान पर हमला बोल देना चाहिए और पाकिस्तान से ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जय श्री राम।